नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक संकट आने की वजह से हमेशा इंसान अपने होश में नहीं रहता है, हमेशा वह अपने होश को खो देता है और अपनी आर्थिक समस्या को और भी ज्यादा बढ़ावा दे देता है। वह ये नहीं सोचता है कि आर्थिक समस्या से कैसे लड़ा जाए। वह जैसे ही आर्थिक समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है तो वह अपने होश को खोकर अपनी चीजों को इधर उधर रखना शुरू कर देता है। उसे कुछ याद नहीं रहता, उसकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, जिसकी वजह से अपने जीवन साथी या फिर अपने घर पे मेहमानों के ऊपर निकाल देता है, या फिर यदि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं तो उस बच्चों पर भी वह अपना गुस्सा निकाल देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके ऊपर आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं या फिर आर्थिक समस्याओं की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप और भी ज्यादा मेहनत करें और मेहनत करते रहें, ताकि आपकी जिंदगी में वह मेहनत कभी तो रंग लाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाए और आपकी आर्थिक समस्या होने से आपके जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े और आपके धन पर भी कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप तिजोरी में माता लक्ष्मी का यंत्र जरूर रखें। यदि आप माता लक्ष्मी का यंत्र लाल कपड़े के अंदर रोली तिलक से लगाकर और उस पर चावल रखते हैं, तो ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह जल्दी पूर्ति हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा होने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। हो सके तो आप शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को आप एक समय पर दीपक जरूर जलाइए, वो भी तिजोरी के पास ही जलाएं, और तिजोरी के पास जलाने के बाद थोड़ी देर तिजोरी खुली छोड़ दें, जिससे कि आपकी जो भी लक्ष्मी है वह और भी ज्यादा बढ़ जाए। कोशिश ये रखें कि जब तक दीपक जल रहा है तब तक आप वहीं रहें, ताकि उससे कोई भी नुकसान ना हो। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। जब भी आप लॉकर में पैसे रख रहे हैं तो उससे पहले अपनी तिजोरी पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और तिजोरी के अंदर लाल कलर का कपड़ा बिछाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाल कलर का कपड़ा माता लक्ष्मी का ज्यादा चहेता भी होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी कभी पैसों से खाली ना रहे और आपकी आर्थिक समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाए, तो लाल कलर के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यदि वह चीजें सूख जाए, चावल आप रोज रोज बदलते हैं और चावल जो एक दिन के पहले के हैं वह चावल जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके सारे काम, जो भी आपके बिगड़े हुए कार्य हैं, वह जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। तो ये है माता लक्ष्मी के यंत्र के फायदे। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।